सगाजनों दी को थ्रू टाइम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। शिवा जवाहर दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने बात की थी गोंगों की और गोंगों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों पर चर्चा की थी। आज हम आपको बताएंगे कि गोंगो कैसे करते हैं और गोंगो के लिए थाना कौन कौन से होते हैं, गोंगो के लिए जो जो प्रक्रियाएं हैं उनको किस क्रम में करते हैं। तो आज हम आपको गोंगो का भीना बनाने की विधि, गोंगो में थाना बनाने की विधि और अपने पेन पट्टाओं को हेत करने के तरीके बताएंगे। तो चलते हैं, अब मैं अपनी इस पगड़ी को उतारता हूं और चूंकि गोंगो करते समय आपको एक विशेष मुद्रा में बैठना होता है वो भी बताएंगे, आपके सर पे साफा नहीं होना चाहिए वो भी बताएंगे। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं गोंगो की तरफ। शिवा जवाहर सगाजनों, अब हम आपको इस भीना के पास ले आए हैं जो अभी आपने दिखाया था कैसे भीना बनाते हैं। शुद्ध मिट्टी को ला करके एक छोटे पतले स्तर की, या बाहर घर गोंगो करते हैं तो बड़े मोटे स्तर का भीना बनता है। चूंकि मैं आज रोन गोंगो कर रहा हूं तो ये हमारे घर का रूटीन गोंगो है, जिसमें सोचा कि आपको भी बता दिया जाए। तो इस गोंगो करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस भीना के बाद पेन थाना कैसे बनाते हैं। जो आपको 18 पेन थाने बनाने हैं उनका आकार एक मानव की आकृति का होता है। अगर आप देखिए तो अगर इस आकृति को आप देखें तो ये मानव के आकार की लगती है। इस आकृति के आधार पर ही हमारा पेन थाना बनेगा। तो आइए हम पहले पेन थाना को बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सामग्रियां लगती हैं पेन थाना के बनाने में। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमको क्या होता है, हमारा ये चुरू है, चुरू में येरुक एयर है, महुए का पानी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस महुए के पानी से पहले हम इस थाने में 3 बार करते हैं शुद्ध के लिए। इस तरह से हम महुए के पानी से 3 बार बिना को शुद्ध कर लिए हैं और इस महुए के पानी के साथ अब हमारे पास 2 महत्वपूर्ण आइटम है। एक है कमका या हल्दी और दूसरा है नुका या परैक या चावल और तीसरा है गारंगनी। अब हम इन दोनों को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा तेल मिलाएंगे और इससे हमारा क्या क्या मिलाया, इसमें हमने इसमें मिलाया चावल, हल्दी और तेल। अब हम इससे थाना बनाएंगे। तो आइए हम पहले आपको बताते हैं कि ये 18 थाने किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला थाना जो बनाया जाता है वो होता है हमारा पेंजिया दाई का थाना। यह पेंजिया दाई का थाना, चूंकि हमारी उत्पत्ति पेंजिया से होती है, पेंजिया माँ से होती है, धरती माँ से होती है, इसलिए हमारा पेंजिया थाना है। दूसरा थाना हमारा होता है कि पेंजिया से जो नलेश दाई का थाना बनता है दूसरे स्तर पे, और तीसरे स्तर पे हमारा पूर्वा दाऊ का थाना बनता है, पूर्वा दाऊ का थाना बनता है। इसके बाद 4 मुख्य थाने, पेंजिया दाई का थाना, नलेश दाई का थाना, पूर्वा दाऊ का थाना, और फिर 4 और मुख्य थाने बनते हैं। उसमें से कौन कौन है, हमारे फड़ा पेन थाना, परसा पेन थाना, सजोर पेन थाना और गंगार पेन थाना। तो ये हो गए 7 थाने। और फिर इसके बाद मावा वाला सल्ला गागरा, ये हमारा सल्ला गागरा का थाना हो जाता है। और फिर हम इधर देखते हैं, यहाँ पर दाहिने साइड में हमारा थाना बनता है पुयालगाड़ा और सियानाड़ा। जैसे हमने बताया कि इधर अब दाहिने साइड में हमारा पुयालखाना थाना बनता है और सियानाड़ा, और बाएं साइड में हमारा यहाँ बनता है भूमका आड़ा और यहाँ पर मुठवा आड़ा। तो इस तरह से हमारे
ये थाने बन जाते हैं 12 थाने। अब हमारे पास 6 थाने और होते हैं, वो थाने हैं आपके मुरालपेन और बुरालपेन, अवालपेन, बावालपेन, सांगो एना और सेल्लारतम्मू। तो ये आकृति आपको दिखाई पड़ रही है। अब अगर इस आकृति को देखें तो ये एक मानव के आकार की आकृति दिख रही है, और इसको अगर हम चार भाग में बांटें, तो अगर इस भाग को हम चार भाग से बांट दें ऐसे पूरा इधर से, ठीक है, तो आपको ये पूरी तरह से ये चार भाग में थाने बढ़ गए। तो आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा इधर का हो गया, एक हिस्सा इधर का हो गया, और दो हिस्से नीचे और दो हिस्से लाइन में। तो इस तरह से ये थाने हैं। इस तरह से हमारे पास चार तरह के थाने बनते हैं, जो उत्पत्ति के थाने हमारे पिंजिया और मवा संलागा, ये हमारे दोनों उत्पत्ति के हैं, सेंटर में हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं, और ये हमारी उत्पत्ति होती जहाँ से, इसलिए हमारे माँ बोलते हैं इनको पिंजिया दाई, और यहाँ से माँ वाला सबरा शक्ति हमारे जीवन का चिराग जलता है। हम पैदा होते प्रकृति में हमें हमारा आगमन होता है यहाँ से। तो इस तरह से हमारे प्रकृति के थाने हैं। फिर हमारे पास पोषक थाने होते हैं, जो हमें पोषण देते हैं, जो जीवन देते हैं, उसमें से हमारा क्या है, पूर्वादाऊ का, फड़ापेन का, पोयालग्वेड का और सेवंग सियान का और सजोरपेन थाना, इससे हमें पोषण मिलता है, जीवन मिलता है और हम पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। आपके बाएं साइड में आप देख सकते हैं कि नलेजदाई का थाना और परसापेन का थाना, संयुंग भूमका का भूमका थाना और मुठवा का थाना, ये और इधर गंगार पेन थाना, ये हमारे पितृ शक्ति के प्रतीक हैं, और ये हमें एक तरह से शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, स्किल देते हैं, कला देते हैं। तो ये हमारे बाएं साइड के जो हैं, ये हमें हमारे शिक्षण और प्रशिक्षण का काम करते हैं ये देवता। साथ में हमारे नीचे के जो थाना हैं, ये हमारे पारिवारिक थाने हैं, जो हमारे संबंध हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा बाबा और हमारे मामा और बुआ के लड़के, जो ये संबंध होते हैं, ये इन थानों से हमारा संबंध बनता है, ये संबंधी थाने हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका विशेष उपयोग कैसे करते हैं। तो जो हमारे पोषण थाने हैं, उसमें हम किसे जाते हैं, हम उपुल दाड़ का उपयोग करते हैं। उपुल दाड़ का उपयोग हम पूर्वादाऊ में और फड़ापेन में और पोयालक्वेड आड़ा में और संयुंग सियान आड़ा में और सजोरपेन थाना में, तो ये उपुल दाड़ का प्रयोग यहाँ करते हैं। साथ में हमारे पास मुठवा दाना होता है, मुठवा दाना को हम गोर्रा कहते हैं या मढ़िया दाना बोलते हैं। ये दाना हमारे जहाँ शिक्षण प्रशिक्षण कार्य होता है वहाँ होता है, जैसे कि नलेजदाई का, साथ में हमारे परसापेन का, हमारे भूमका का और हमारे मुठवा का और हमारे गंगारपेन का, ये थाना हुआ। और चूंकि हमारा ये दोनों जन्म और दोनों देते हैं, तो हम यहाँ पर भी जन्म के और इनको भी हम यहाँ पर दोनों देते हैं, यहाँ पर दोनों का प्रयोग होता है, चूंकि ये हमारे ओरिजिन के हैं संबंध के लिए। अब हम नीचे के थानों में ये सब नहीं देंगे, हम अब महुआ जो हमारे पास महुआ रखा है इरुक पुंगार, अब उस इरुक पुंगार को हम लेंगे और उस इरुक पुंगार को इन थानों में लगाएंगे। तो सबसे पहले थाना हम कहाँ से, इरुक पुंगार पेंजियादाई का, नलेजदाई, पूर्वादाऊ, बड़ा पेंदा, परसा पेंदा, सजोर पेंदा, गंगार पेंदा, माओ वाला सल कांगरा, उयाल काड़ा, भूमका काड़ा, संयुक्त यहाँ से संयुंग एंड मुठवा, बुर्राल पेण, मुर्राल पेण, बुर्राल पेण, अवाल पेण, बाबाल पेण, सांगो एना, सेल्लारतम, ये हमारे थाना हो गए। अब हम इनको एक, दो और तीन, इस तरह से हमारे थाना रेडी हो गए। ये हमारे 18 थाना हैं। कहीं कहीं पर हम अपने लोकल थानों को भी बनाते हैं, लेकिन रोन है तो रोन में हम केवल 18 थानों की गोगो करते हैं और हेत करते हैं।
इसके बाद हम अब हम आपको अगले कार्यक्रम में चलते हैं। हमारे पास ये है सड़ापी कंडा। सड़ापी कंडे को हम जला लेते हैं और जलाने के बाद हम उसको एक कांसे में रखते हैं आग बना के। जब जलाते हैं तो ये हमारे पास बनी बनाई आग है, इस आग को हम यहाँ रख लेते हैं और ये कंडे की आग है, इस कंडे की आग है और इस आग को हम कहाँ रखते हैं, बिल्कुल सेंटर में रखते हैं जहाँ पर कि पेंजियादाई थाना है। तो अब मैं आपको दूसरे स्टेप पे ले चल रहा हूँ। ये हमारा दिया है और टेवड़ी और उसके बट अंदर जो गरंगनी है और ये कापस की बाती है, इसको जला करके और हमारे पास ये टक्का है और ये जो हमारा थाना है मावा वाना सल्लगांगरा, इस थाने के ऊपर हम इस दिया को रख देते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे गोंगों के स्टेप प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब हम इस स्टेप पे अपने अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, ये हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं ये शुद्ध रार है। रार मतलब ये सराई की रार है, सराई के पेड़ से निकाली गई रार है और इसका इस्तेमाल हम अगर तोड़ते हैं तो ये शुद्ध रूप से इसको हम इसमें अगर डालते हैं आग में तो आपको ये धुआं दिखाई पड़ेगी। तो हम इसको करते हैं आग, सगा जनों। तो अभी तक हम लोगों ने भीना बना लिया, थाना बना लिया और सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली। अब हम गोंगों की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तो हम गोंगों की प्रक्रिया करने हमने बताया आपको, आपको रार लेनी है, रार लेकर के उसके टुकड़े करने छोटे छोटे और छोटे टुकड़े करके आपको आग पे डालना है और ये दोनों हाथ आपके इन दोनों के बीच में होने चाहिए और पैर ऐसे उकरू मुकरू की कंडीशन में होनी चाहिए। आपको पेदा टिका के नहीं बैठना है, अलती पलती मार के नहीं बैठना है, इस कंडीशन में बैठा है, दोनों हाथ आपके अंदर होने चाहिए। तो अगर आप ऐसे बैठते हैं तो आप इसमें डालते हैं तो ये आपको रार, इसे रार कहो। अब आपको अपने जिस भी पेन पट्टा के हेद करनी है उसका आपको सुमिरन करना पड़ता है। तो हम जैसे शुरू करते हैं 18 थानों को हेद करते हैं तो हम शुरू करते हैं कि पेंजिया दायिता सेवा सेवा, पूर्वा दाऊता सेवा सेवा, नलेन दायिता सेवा सेवा, फड़ा पेंता सरजा सेवा, परसा पेंता सेवा सेवा, सजोर पेंता सेवा सेवा, गंगार पेंता सेवा सेवा, मावा वाला सलगांगरा सेवा सेवा, पोयाल आड़ा सेवा सेवा, संयुक्तियान आड़ा सेवा सेवा, भूमका आड़ा सेवा सेवा, संयुक्त मुठवा आड़ा सेवा सेवा, सजोर पेन थाना था सेवा सेवा, गंगार पेन थाना था सेवा सेवा, मुर्राल पेन आड़ा सेवा सेवा, बुर्राल पेन थाना था सेवा सेवा, अवाल पेन आना था सेवा सेवा, बाबाल पेन आना था सेवा सेवा, सांगो एना सेवा सेवा, सेल्लार तम्बू सेवा सेवा, इदनार बरुंग बरुंग पेन पट्टा द सेवा सेवा सेवा, खिला मुठवा ठाकुर देव खैरोदाई भीमाल पेन ता सेवा सेवा। तो सगा जानो इस तरह से हमने पूरा 18 थाने और 4 जो आप लोकल थाने होते हैं स्थानीय थाने उनके बारे में आपको बताया। अगली बार के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक एक विशेष थाने में किन किन लोगों को हम लोग हेद करते हैं और उनके हेद करने के पीछे का उद्देश्य क्या है और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है और हमारी कोया पुनेमी संस्कृति में हेद का और गोंगों का क्या महत्व है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा जोहार।